भिवंडी पद्मनगर स्थित जय भारत व्यायामशाला में गोकुल अष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बता दें कि पिछले कई वर्ष पहले पद्मशाली समाज बांधवों के द्वारा संस्था स्थापन किया गया था। ये संस्था व्यायामशाला, ग्रंथालय, गणेशोत्सव, झंडा वंदन जैसे कार्यक्रम के साथ कई सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार इस वर्ष भी जय भारत व्यायामशाला के अध्यक्ष श्रीनिवास बाले के मार्गदर्शन में गोकुल अष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जय भारत व्यायामशाला के गंगाधर बुद्धू, रमेश संभारी, श्रीनिवास चिंतम, डॉक्टर शंकर अंकम के साथ और पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मेरा नाम श्रीनिवास बाले है और मैं जय भारत व्यायामशाला मित्र मंडल के आज अध्यक्ष के नाते भिवंडी के सभी नागरिकों को कृष्णाष्टमी का शुभकामनाएं देते हुए मैं सबको बोलना चाहता हूं, आज हमारे जय भारत व्यायामशाला में हम लोग हर साल की तरह इस साल भी श्री कृष्णाष्टमी बड़े अच्छे पैमाने पर हम लोग मनाए। आप देख ही रहे हो कृष्णाष्टमी का उत्सव कितना जोर से चल रहा है। यहाँ पर जय भारत व्यायामशाला स्थापन होके 78 में हुआ, लगभग 40-43 साल हो गए हैं। 43 साल से दहंडी का प्रोग्राम चलता है, कृष्णाष्टमी, दहंडी और होली, हमारे बहुत सा कार्यक्रम कंटिन्यू चालू है। आज तक हम कोई बंद नहीं किया है। गणपति भी बहुत अच्छा, बड़े पैमाने पे हमारा गणपति भी चलता है। भिवंडी में कम से कम हम लोग 4 बार फर्स्ट प्राइज ले चुके हैं, पुलिस का 3 बार ले चुका है, पर्यावरण का ले चुका है और धामनकर नाका स्वाभिमान श्री का भी ले चुके हैं। उस जमाने में जब 43 साल पहले हमारे इस जगह पे हमारे पूर्वज जैसा चंद्रन्ना, शंकरन्ना, इन लोग पहले छोटा सा एरिया में व्यायामशाला बनना चाहिए बोल के इन लोग बहुत मेहनत करके व्यायामशाला बनाए। बनाने के बाद कई साल चला व्यायामशाला, बहुत अच्छी तरह चला। इसके बाद जैसा जैसा डेवलप होते हुआ है, बाद में अपने बाजू में एक जिम चालू हो गया। जैसा जिम चालू हो गया तो बच्चे आना कम हो गया, तब हम लोग इसको क्या किया, हमारे एरिया का कम्युनिटी हॉल बोल के बनाया, हमारे गणपति का जगह होएगा, सब प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं। खाली इधर से जिम हटा है मगर सब बच्चे जिम कर रहे हैं और इसी जिम में आज मेरे को भी देख रहे हो, मैं भी जिम किया हूँ और मैं हमारे बहुत से बच्चे इधर जिम करके बहुत तंदुरुस्त और ये बहुत लक्की जगह है, यहाँ से बहुत नाम कमाएला आदमी लोग है। शंकर अनमय अंकम, 43 ईयर्स पहले ये अपना कमटम शंकर जी और चंद्रम डॉक्टर ये लोग फाइट करके ये जगह हासिल किया, तो जब से अभी तक ये तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। और ये 1980 से ये जमाने में तो दहंडी का कार्यक्रम में फर्स्ट आया था भिवंडी में, दमन नाका पे ये अपना राजन्ना था जब अध्यक्ष, वो शंकर अपना केतरी शंकर था, इन लोगों को आया में भोग राजे अध्यक्ष था जब, तो गाजू रागदास और ये अपना वड्लाकोंडा रायशम सब मिलके इसको बहुत अच्छा तरीके से आगे लेके गया। अभी भी ये बच्चे लोग ना जब से जिम चालू किया, जिम का पूरा सब चलता था, उसके बाद अभी बच्चा बड़ा हो गया, अभी उधर जिम चालू होने के बाद ये कार्यक्रम थोड़ा पीछे आएगा, बाकी सब कार्यक्रम। लाइब्रेरी के बारे में भी ये तो फाउंडर मेंबर चंद्रम डॉक्टर जी और वो कमटम शंकर जी और ये अपना सदानंद डॉक्टर और एक बैरी रामस्वामी जी, ये सब मिलके उसका और ये ट्रस्ट मेंबर था वो लोग, इसके बाद उसका भी बना के अभी आगे। उसकी परिस्थिति अब उसका क्या परिस्थिति आज के तारीख? आज का तारीख में बहुत अच्छा, अभी सील ग्रेड से बी ग्रेड आ गया, अभी अच्छा चल रहा है अभी। मेरा नाम रमेश संभारी है। जनता के लिए तो अभी गोकुलाष्टमी की तो शुभेच्छा बोल रहा हूँ और आगे हम लोग को और बहुत कुछ काम है, गणपति है और होली भी था, इससे अभी होली भी गया, अभी गणपति का तो अभी धूमधाम से बनाने चाहते हैं, तो हम लोग से जितना हो सके, आज तो उतना म्यूनसिपालिटी का लिया प्राइज और स्वाभिमान का लिया है और बहुत कुछ लिया है, पर्यावरण का भी लिया है। रविंद्र भूमय बुद्धिला, हमारा जय भारत व्यायामशाला का तरफ से सभी जनता को, भिवंडी जनता को गोकुलाष्टमी की शुभकामनाएं।